जा बेटा रुक जा, ले कड़ी लेगा कड़ी लेगा जा। रोटी बैंक गोहाना की एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है कि किसी को भी भूखा नहीं रहने देंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जैसा कि पीछे सभी जो है जरूरतमंद परिवारों को आज खाना खिलाया जा रहा है और ये मुहिम शायद रोजमर्रा भी चलती जाएगी। हमारे साथ जो हमारे शहर की क्रीम है डॉक्टर सी डी शर्मा है, देसवाल सर हैं, अरुण बड़ोक जी हैं, सभी मौजूद हैं और साथ में जो एक ही आयोजनकर्ता की टीम है दीपक मेहता जी हैं, बड़े भाई रवि मेहता हैं, तो सभी मौजूद है। डॉक्टर साहब क्या संदेश देंगे क्योंकि एक रोटी बैंक की शुरुआत की गई है और मकसद यही है कि कोई भी भूखा ना सोए। भाई दीपक का, रवि का और उनके परिवार वालों का और उनके मित्रों का, पूरी टीम को मैं इस बहुत शुभ और बड़े कार्य के लिए बधाई देता हूं। इनकी खास बात ये है कि ये ऐसा कार्य करके अपने हमारे गोहाना क्षेत्र के हर गरीब परिवार को हफ्ते में 10 दिन में एक अन्न का भंडारा लगा के, खाने का भंडारा लगाते हैं और इसमें कोई कृतज्ञता नहीं महसूस करते। एक आदमी है जो काम सोशल वर्क करता है लेकिन उसके लिए कुछ अपेक्षाएं करता है, लेकिन ये हमारे बच्चे, इनको मैं बहुत समय से जानता हूँ कि ऐसे सदकार्य करके किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं महसूस करते, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं इन सबका शुभकामनाएं देते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो इनका कार्य है ये लंबे समय तक चलता रहेगा और उसमें हम जैसे लोग भी यथा योग्य जो इनकी हमारे से अपेक्षा है हम सहयोग करेंगे। देसवाल जी आप तो पुलिस में भी रहे हैं, देखा होगा वर्दी में थे तब देखा होगा, आज सफेद कुर्ते पजामे में जब देख रहे हो कैसा महसूस कर रहे हो? ये बहुत अच्छा है और समाज के लिए अच्छा संदेश है। रवि मेहता जी, दीपक मेहता जी, इनके परिवार और इनकी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बिना स्वार्थ के काम कर रहे हैं, समाज की भलाई के कार्य कर रहे हैं। औरों को भी अनुसरण मिलेगा, इससे सीख मिलेगी, जरूरतमंद लोगों की समाज मदद करता रहेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम का। क्या बात है। अरुण बड़ोक जी हैं, बीजेपी के गोहाना अध्यक्ष हैं, कैसा लग रहा है बड़ोक साहब, शहर में समाज सेवा जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है? ये रवि मेहता जी को मैं तो शुरू से बचपन से जानता हूँ, पीछे कोरोना काल में भी पूरी टीम रवि मेहता जी की, कोरोना काल में भी इन्होंने पूरा इनका सहयोग किया, चावल दाल रवि जी ने, और इन्होंने कोई डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कोई दिखावा नहीं किया, कोई उसमें पॉलिटिकल वो मैटर नहीं डाला। और दीपक मेहता जी भी मंडी के प्रधान होते हुए इन्होंने भी बहुत करा, इनके सहयोग किया और इनकी पूरी टीम को जो मंडी के इनके साथी हैं मनीष चावला जी, मदन ठकराल जी, मनोज मेहता जी, पूरी टीम का इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारा मान सम्मान किया पूरा है यहाँ पे, और ये जो अपंग हमारे यहाँ पर विकलांग भाई उनके लिए बाईसाइकिल भी उनको आज कर रहे हैं भेंट, तो इसके लिए पूरी इनका रवि मेहता और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रवि आज क्या क्या किया गया है, ट्राईसाइकिल्स भी दी जा रही हैं, खाना खिलाया जा रहा है, रोटी बैंक सर
सबसे पहले तो कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए एक टीम का होना जरूरी होता है। उनके साथ हमारे साथ मनोज मेहता, मोहित, मनीष और भी अन्य लोग हैं। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये एक टीम वर्क होता है। मेरा कहीं पर भी नाम ना लो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इनका सहयोग मिला था भाइयों को, तो ये काम हुआ, अन्यथा ये काम होना पॉसिबल नहीं था। तो सबसे बड़ी बात यह है। और ये खाना हम क्यों चला रहे हैं सर, हमारे को एक बात सुनने को हमेशा मिली है, अगर आप 500 लोगों को खाना खिलाते हो, अगर आपने 500 लोगों को खाना खिलाया और दिल से किसी एक ने दुआ दे दी कि भगवान तेरा भला करे, तो उस भला होने को भगवान भी अपने काबू में ले सकता, परमात्मा भी चाहेगा कि उन इंसानों को भला हो जो ये काम करते हैं। क्या बात है, सबकी भलाई के लिए कार्य किया जा रहा है। मनीष भैया, आप हम में सबसे बड़े हैं, किस तरह टीम जोड़ी है और किस तरह से काम चलाया है, सभी को साथ लेके चलना वो सबसे पहला मोटिवेशन की रास्ता है। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दीपक भैया, वैसे तो पहले आप मंडी के प्रधान भी थे और रवि के बड़े भाई हो, बड़े भाई बड़ी सारी टीम को लेके आ रहा है, अकेला आ गया और जो इसकी कला है। मनु अंकल, परिवार अपनी पूरी टीम के साथ समाज सेवा में उतरा हुआ है, एक भाई हमारा चौन कुंडिया हमनी एक से। सर मेरा कहना ये है, आज हमारे पास एक व्हील चेयर आप देख सकते हैं किस तरह से दिव्यांगों को जो है आज व्हील चेयर साइकिल ट्राई साइकिल दी जा रही है। रवि क्या कहना है, कितनी खुशी हो रही है। सर सबसे पहले तो आप प्रेस से मेरे भाई भी हैं और आपको नॉलेज ज्यादा है, मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आप उसको वर्ड्स को हिंदी में कन्वर्ट करना। सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूंगा सर, लाइफ इज रियली नथिंग विदाउट लव एंड केयर, सो गिव इट्स टू एवरीवन एंड डोंट एक्सपेक्ट इट्स कम बैक बिकॉज इट्स अ फील नॉट अ डील। क्या बात है, बहुत बहुत जबरदस्त। प्यार सभी के लिए होना चाहिए, मदद सभी के लिए होनी चाहिए और उतनी खुशी किसी को नहीं मिल पाती जितनी ये चीज करने में मिल रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह से सर, इसमें से एक व्हील चेयर काका ब्लॉक की तरफ से दी गई है और एक व्हील चेयर हमारे भाई सुमेर जैन की तरफ से दी गई हुई है और 4 व्हील चेयर सर हमारे ग्रुप की तरफ से दी हुई है। हम 6 व्हील चेयर बांट रहे हैं। और सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, ये इलेक्शन का टाइम है, अभी क्या है ये इलेक्शन का टाइम है, अभी लोग क्या है इलेक्शन में बिजी हैं। अभी हमारे सुनने में मिलता है कि आज ये वोटिंग के लिए गए, आज ये सोच रहे हैं कि हम खड़े होंगे हमारे को टिकट मिलेगी, आज लोगों को वादा कर रहे हैं सर हम आपकी पेंशन बना देंगे, हमें वोट देना हम आपकी पेंशन करा देंगे। सर उस बात को छोड़ो ना सर, पेंशन कौन बनाएगा, पेंशन हम बना रहे हैं, हमारा ग्रुप बना रहा है सर, ये पेंशन बन रही है, आज हम 6 व्हील चेयर दे रहे हैं सर, वादा करना अच्छा नहीं होता। शुरुआत है उसको सर, ऐसे आपको टिकट मिले अच्छी बात है, आप इलेक्टेड हो, आप चेयरमैन बनो, आप MC बनो, अच्छी बात है सर, पर जिनसे प्रॉमिस करो उनको आप दो। अभी आप बोला है कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, बाकी भी क्या है, इसका नाम सलीम है, किसको पता है, किसी चेयरमैन को नहीं पता, किसी MC को नहीं पता, इसका नाम प्रवीण है, वो हमें पता है सर, हम झोपड़ियों में घूमते हैं, एक एक बंदे के पास जानते हैं, पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, खाना चाहिए, हमें तो सर ना तो कोई पॉलिटिशियन है ना हमें किसे लेना देना है। हम तो सर एक बात कहते हैं, पॉलिटिशियन बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है, तैयारियां हो गई और बहुत एक अच्छे सामाजिक कार्य की शुरुआत हो चुकी है। राजे रजवाड़े तो गए पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे हैं, जो कि कई सौ सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें सौ सौ करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस चलता है,
ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा किसान कर्मचारी छोटे व्यापारी मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 7834-800-800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।